बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की बाकी टीमों की तरह फ़िलहाल मुस्तकबिल के होने वाले मुकाबलों का इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को बोर्ड के साथ वाबस्ता करने के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक साहब खिलाड़ियों के साथ रबते में हैं, उनकी फ़िटनेस को वो वीडियो लिंक के ज़रिए जांचने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी अपनी टीम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी में मसरूफ़ अमल है। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा, दूसरी तरफ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, लोगों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से घरों तक महदूद रखने की बात की जा रही है, लॉकडाउन की सूरत हाल है। और अगर हम खेलों के हवाले से बात करते हैं, बिलखसूस क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, तो गुज़िश्ता साल से ही पाकिस्तान क्रिकेट में नए फर्स्ट क्लास सीज़न के हवाले से जो आवाज़ें बुलंद हो रही थी, अब उन आवाज़ों में शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीज़न में गुज़िश्ता साल रीजन और डिपार्टमेंट के बरक्स 6 टीमों ने शिरकत की और पंजाब की टीम चैम्पियन बनने में कामयाब रही इन 6 टीमों के मुकाबले में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए फर्स्ट क्लास सीज़न के हवाले से जो क्रिकेटर्स हैं उनको बड़े तहफ़ुज़ात हैं। साबिक क्रिकेटर्स हों, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हों, जिनको रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है व डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो जाने की वजह से, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से हर प्लेटफॉर्म पर वो इल्तिजा कर रहे हैं, उनसे इस्तदुआ कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल किया जाए, क्योंकि यही उनकी रोज़ी रोटी थी जो उनसे छीन ली गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस रिलीफ फंड वज़ीर आज़म का सामने आया है, लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो कि अपनी नौकरियों से महरूम हो चुके हैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के डिपार्टमेंट रीजन ख़त्म होने के बाद, मुख्तलिफ लोग जो कि रीजन और डिपार्टमेंट के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे थे, नए फ़र्स्ट क्लास सीज़न में 6 टीमों के कॉन्सेप्ट के बाद खिलाड़ियों को वजीफ़ा तो मिला है 50,000 रुपये माहाना, कोचेज को बड़ी तनख्वाहें तो मिली हैं, लेकिन अब लोग बहुत सारे इस सारे सूरत हाल में अपने घरों को चले गए हैं, उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जानिब ये बात तो कर रहा है कि वो किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी साहब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को जो कि उनके साथ एसोसिएट हैं उनका ख्याल रखेगा, अपने स्टाफ का ख्याल रखिएगा, लेकिन लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, क्रिकेट से जुड़े हुए लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के कोरोना रिलीफ फ़ंड में 1,35,500 रुपए अतिया किए हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल में इन नादार गरीब मिस्कीन क्रिकेटर्स के लिए जो कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने की वजह से इस वक्त बेरोज़गार हैं, इस वक्त कोई कारोबार कोई काम ना करने की वजह से मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ मुकय्यर हजरात सामने आए हैं, पाकिस्तान के कुछ बड़े क्रिकेटर्स सामने आए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर इस सिलसिले में सामने आई है, जिन्होंने नादार गरीब मिस्कीन क्रिकेटर्स की तंगदस्ती में उनके साथ अपना किरदार अदा किया है। उधर दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी साहब ये कहते हैं कि वो क्रिकेटर्स को और उन क्रिकेटर्स को जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेरोल पर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन को बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और उनके माली मामलात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। देखिए, हमारी प्रायोरिटी है इज टू प्रोटेक्ट द प्लेयर्स, प्रोटेक्ट द स्टाफ, सो दैट्स आवर नंबर वन प्रायोरिटी। इनफैक्ट अगर ये 2-3 साल चला दैट्स अनदर मैटर, वो होगा नहीं इंशाल्लाह, बट वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने बात की कि तैयारी करें फॉर द वर्स्ट सिचुएशन एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बट रियलिस्टिकली कोई इसमें इस किस्म की प्लान्स नहीं बनाएंगे जो अटेनेबल नहीं होंगी। But our message and our assurance to our players and our staff is कि हम आपको जो आप हमारे लिए सबसे बड़ी priority हैं, आपको हम protect करेंगे जिस हद तक हम कर सकते हैं।
कोरोना वायरस और आलमी बहरान में जहां शदीद चैलेंजेस दुनिया को दरपेश हैं, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तरह के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मुश्किल सूरत हाल में और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सीरीज़ के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टी वी राइट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकबिल में नए टी वी राइट्स के हवाले से काम करना है। साथ साथ उन्होंने इन तहफ़ात का भी इजहार किया है कि भारत के बिना इस नई मुस्तकबिल की सीरीज में पाकिस्तान को अपने टीवी राइट्स में कम आमदनी के लिए तैयार रहना चाहिए। नए कमर्शियल माहिदों के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नई डील करना होगी। 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस मशरूब साज इदारे के साथ काम कर रहा था वो डील भी खत्म हो गई है और इस वक्त आलमी कसाद बाजारी में जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है, कुछ मामलात ये हैं कि कारोबारी सतह पर मईशत में गिरावट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कमर्शियल माहदे हैं उनमें शायद वो पैसे ना मिलें जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलते रहे हैं। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने यह भी कहा है कि जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की माली उमूर की कमेटी को हेड करते हैं, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे मिलना है शायद इस साल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना मिल सकें, लेकिन बावजूद इसके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात पर खासे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर मंसूबाबंदी करेगा लेकिन मुस्तकबिल में जो भी सूरत हाल होगी उसको फेस करने के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार खड़ा है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल इंग्लैंड का दौरा कर सकेगी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल हॉलैंड और आयरलैंड जा सकेगी? इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी का ये कहना है कि जो भी होगा इस हवाले से वो मुतालिका क्रिकेट बोर्ड के साथ बाहमी मशावरत के साथ मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड अगर हमें यह कहता है कि थोड़ा सा आगे जाकर इस दौरे को कर लें हम तब भी लचक का मुजाहरा करेंगे क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी दिखाई दे रही है। पीसीबी और ख़ास तौर वसीम खान जो हमारे सीईओ हैं वो बड़े क्लोज कांटेक्ट में हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन के साथ। इसमें हम गेस वर्क है कि कब तक होगा, कोई मेडिकली ये नहीं कह सकता कि जी इंग्लैंड विल बी फिट फॉर एंड ओपन फॉर क्रिकेट इन जून और जुलाई। हमें ये भी अगर हमें रिक्वेस्ट आए इंग्लैंड से कि थोड़ा डिले कर दें टूर वो भी हम करने के लिए तैयार होंगे। हमने सपोर्ट करना है क्रिकेट को, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं और आयरलैंड में भी, क्योंकि वो भी एक इमर्जिंग कंट्री है और उन इनफैक्ट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो सिर्फ उस वक्त मिलेगी उनको अगर वो ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच स्टेज कर सके। एक तरफ नए फर्स्ट क्लास सीजन की वजह से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स अपने माली मुश्किलात का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना वायरस के चैलेंज की वजह से जहां लोगों को सोशल फासला रखने के लिए कहा जा रहा है, घरों तक महदूद होने के लिए कहा जा रहा है, कारोबार को तमाम हिफाजती तदाबीर के हिसाब के साथ खोलने की मंसूबाबंदी की गई है, कुछ कारोबार कुछ बाज़ार कुछ कारखाने खोलने की इजाज़त भी दी गई है लेकिन हिफाजती एसओपीस के सामने। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोरोना वायरस ने एक और मुश्किल सूरत हाल रमज़ान क्रिकेट 2020 के आगे सवालिया निशान लगाकर उठा दी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट कोरोना वायरस और चैलेंज के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अब जनाब गुफ्तगु में शामिल करेंगे माहिर इल्म नजूम सामिया ख़ान साहिबा को जो कि सितारों की चाल सितारों का अहवाल बखूबी जानती हैं। सामिया ख़ान साहिबा आपको खुश आमदीद कहेंगे, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और सामिया सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कह रहे हैं सितारे, ऑस्ट्रेलिया इस साल अक्टूबर में ICC वर्ल्ड T20 की मेज़बानी करने जा रहा है और फिलहाल तो उसके ऊपर गहरे से आप बादल मंडला रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की तरफ से ये बयानात जो है वो तवातुर के साथ सामने आ रहे हैं कि जनाब खाली मैदानों में डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच होते हैं तो खाली मैदानों पर ये T20 टूर्नामेंट कराया जा सकता है। अभी कुछ वक्त है, अभी कुछ महीने बाकी हैं, आपको लगता है सितारों के इल्म की रोशनी में कि क्या ये मुमकिन है या इस साल ICC वर्ल्ड T20 का साल ही नहीं है? जहाँ तक क्रिकेट की बात आप कर रहे हैं तो अगर अक्टूबर में होना है
तो अक्टूबर तक मेरे ख्याल में फिजा आसमान बहुत क्लियर हो चुका होगा, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये T20 की जो ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करना चाह रहा है, हो सकता है विदाउट ऑडियंस किया जाए, लेकिन अक्टूबर तक आसमान बहुत क्लियर हो चुका होगा। चलें सामिया, यही कहेंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर, और आप जो ये अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, हमें भी इन चीज़ों को देखने का मौका मिले। और जो लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, मईशत बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, आहिस्ता आहिस्ता वापस आए अपनी जगह। आपकी बात काट रही हूँ, अगली बात को फिर मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि आप जब यूँ फ्लो में होते हैं, ये भी मेरी 2020 की पेश गोइयों में से ही एक पेश गोई है। बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं उनको पता है कि ये मैंने बोला है कि कोरोना की जंग से तो पहले 6 माह में निकल जाएंगे, लेकिन अगली जंग जो मुआश की जंग है वो 19 दिसंबर 2020 तक हर मुल्क अपने हिस्से की और अपनी बका की जंग लड़ेगा। लेकिन एक बात तय है याया, और आपके प्लेटफॉर्म पे लोगों को देखिए, साल चुटकियों में गुजर जाते हैं, हमें सिर्फ हिम्मत रखनी है। 2021 उतनी ही खुशखबरियों के साथ शुरू होगा जितना 2020 जो है ना वो भयानक वाली खबरें थी। रैपिड चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस, नेचुरल क्लैमिटीज, और जो है ये इस तरह के इसमें स्विंग्स थे इस साल में। दैट्स वंडरफुल सामिया, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फिलहाल तो चैन की बांसुरी बजा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड जो है अपने लोगों के बोनस रोक चुके हैं, बड़े आला अहदेदार की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, कुछ लोगों को जो है आर्जी छुट्टियों पर भेज रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मुस्तकबिल में माहदे होने हैं, टीवी राइट्स का माहदा होना है, नए कमर्शल माहदे होने हैं, और क्रिकेट बोर्ड के सरबरा कह चुके हैं कि जो इस वक्त कोरोना की वजह से मार्केट की सिचुएशन है कि माजी में जो हमें पैसे मिले थे वो नहीं मिलेंगे। तो इस तनाजुर में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियली पोजीशन को किस तरह देख रही हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को। पाकिस्तान को तो बहुत फाइट करनी पड़ेगी, मुझे तो समझ नहीं आती, जो हमारे मेरी बरादरी के लोगों को रोशन पाकिस्तान नजर आता था, लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस नजर आती थी, अल्लाह जाने वो कौन सा पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगले 6 माह क्रूशियल है या ये जो फाइट है मौशी बका की जो जंग है, यहाँ इसमें अपने पट्टे मजबूत रखने पड़ेंगे। हम कोरोना से नहीं डरे, लेकिन ये जो अगला वक्त आए ये जरूर हमारे लिए। आप जो बात कर रही हैं पाकिस्तान के लिए बात कर रही हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के सरबरा कह रहे हैं कि फिलहाल हमारे पास 2-3 साल है इतना पैसा हमारे खजाने में, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नए माहिदों को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने की सूरत हाल को आप किस तरह असेस कर रही हैं। मुझे बताइए इनका नाम क्या है, नाम मुझे एहसान मानी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एहसान मानी साहब का अपना सितारा तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट का सितारा जो है वो थोड़ा सा जो है वो जवाल में रहेगा। अपना तो हद तक तो उनका वो सितारा वो क्राइसिस में नहीं नजर आता जो उनके नाम से मैं देखती हूँ, लेकिन क्रिकेट को अगर मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को देखती हूँ तो उसमें जो है ये बल्कि यहाँ पे ये जरूर कर सकते हैं, जिस अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा के परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मौशी तंगी में इनको भी सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं मान सकती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे सितारा इनका भी सख्त है, लेकिन क्रिकेट को जरूर मतलब जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का 5वां घर ठीक चल रहा है, तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस को आप बेहतर जरूर कर सकते हैं, लेकिन मौशी में इनको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अच्छा सामिया, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है सिक्योरिटी इदारों के शानदार किरदार की वजह से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़े शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई, पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच एक्स कैप्टन वकार यूनुस ने कहा कि किसी की नजर लग गई, टूर्नामेंट फिनिश नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि साल के आखिर में इम्कान है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो सके, तो मैं इस तनाजुर में आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी किस्म की क्रिकेट आप देख रही हैं, इंटरनेशनल सतह की क्रिकेट देख रही हैं, कोई टीमें आप आती हुई देख रही हैं? ये आपने बड़ी सवाल लास्ट की बात की है, ये यकीन कीजिए कि जब मैं कभी पाकिस्तान की बात करती हूँ और जब मेरी कौम बड़े प्यारे हैं, हम अब ऐस कौम बड़े प्यारे लोग हैं, हम जिंदा दिल लोग हैं, और मैं जब ये कौम बहुत खुश होती है मुझे हमेशा डर लगता है। आप यकीन करें पाकिस्तान को सचमुच नजर लगती है,
सचमुच नजर लगती है पाकिस्तान को। तो जो है ये उनकी बात बड़ी सही है, लेकिन आपने जब तक बात की अक्टूबर से इसे तारे सीते भी होते हैं, नवंबर ऑनवर्ड्स अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी शुरू होती है, लेकिन जो मुझे पाकिस्तान में अगर आप देखें अब जो कम बैक है क्रिकेट का वो मुझे जो है वो अगले साल में नजर आता है, मुझे मुझे इस साल में नजर आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका माहिर इल्म नुजूम सामिया खान साहिबा, सितारों के इल्म की रोशनी में आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि सितारों की जो चाल है वो मुस्तकबिल के हवाले से आपने बड़ी अच्छी ख़बरें हमें दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे, खुशहाली के दिन होंगे, मईशत में बेहतरी के दिन होंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.jionews, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।